15 साल की उम्र में काम मिलता है, 20 में डिप्रेशन और 30 से पहले वो होता है जो तनिषा शर्मा के साथ हुआ। माँ बाप बेटी को हीरोइन बनने के लिए भेजते हैं, प्रोड्यूसर और एक्टर कहते हैं कि कम उम्र की ही लड़की चाहिए। तनिषा शर्मा को पता था मेकअप रूम में उनके साथ क्या होगा, फिर अंदर जाने के लिए उनको किसने मजबूर किया? तनिषा शर्मा कांड की खबर आपने देखी, लेकिन असली सच आपको नहीं पता चला। अपने जिस बॉयफ्रेंड शीजान खान को तनिषा अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, आखिर वो तनिषा को क्यों तड़पता हुआ देखना चाहता था? मौत से 3 घंटे पहले तनिषा बहुत खुश थी, अपनी टीम के साथ काम की तैयारी कर रही थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। तनिषा मेकअप रूम के अंदर जाती है, इसके बाद बॉयफ्रेंड अंदर घुसता है। कुछ देर बाद पता चलता है कि तनिषा की लाश फंदे से झूल रही है। दूसरों को जिंदगी जीने का सपना दिखाने वाली तनिषा की मौत क्यों हुई और जिम्मेदार इसके लिए कौन है, इस 2 मिनट की रिपोर्ट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तनिषा शर्मा सिर्फ 20 साल की उम्र में टीवी और बॉलीवुड की दुनिया का ऐसा चेहरा बन चुकी थी जिनके करोड़ों चाहने वाले थे। तनिषा चंडीगढ़ की रहने वाली थी। 4 जनवरी 2002 को पैदा हुई तनिषा ने 14 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। फितूर और बार बार देखो जैसी फिल्मों में कैटरीना कैफ के बचपन की भूमिका निभाई थी। विद्या बालन की कहानी 2 और सलमान खान की दबंग 3 में भी काम किया था। तनिषा मुंबई में अपनी माँ के साथ रहती थी और फिलहाल अली बाबा सीरियल शूट कर रही थी, वहीं पर मेकअप रूम में उनकी लाश मिली है। परिवार का आरोप है कि तनिषा को बॉयफ्रेंड शीजान खान परेशान करता था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी और खुदकुशी करने के लिए मजबूर हुई। इसके साथ ही प्रेग्नेंट होने की बात भी कही गई है, हालांकि पुलिस ने प्रेग्नेंट होने की बात को गलत बताया है। तनिषा का कुछ दिन पहले शीजान से ब्रेकअप हुआ था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने भी अपनी जांच में खुलासा कर दिया है कि बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने की वजह से बहुत परेशान थी। तनिषा के पास नाम, पैसा और शोहरत सब कुछ था, फिर मौत को गले क्यों लगाया, इसकी वजह जान लीजिए। पिछले 1 साल के अंदर के ही अगर हम आंकड़े देखें, तो टीवी और बॉलीवुड की दुनिया में जाने के बाद लड़कियां तेजी से मौत को गले लगा रही हैं। ज्यादातर प्रोड्यूसर और एक्टर को काम करने के लिए 15 से 20 साल की लड़की ही चाहिए। माँ बाप लड़कियों को हीरोइन बनने के लिए भेजते हैं, कम उम्र में उनको सही और गलत का फर्क नहीं पता होता है, शोषण किया जाता है। जब उन्हें समझ जाता है तो डिप्रेशन का शिकार होती है और मौत को गले लगाने के लिए मजबूर हो जाती है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि तनिषा ने अपने घर या फिर कहीं बाहर नहीं, बल्कि बॉयफ्रेंड शीजान के मेकअप रूम में ही मौत को गले लगाया है। शीजान ने ही सबको बताया कि तनिषा ने खुदकुशी कर ली, मतलब आखिरी वक्त में वहां पर क्या कुछ हुआ था इसके बारे में बाहर का कोई भी शख्स नहीं जानता। बताया जा रहा है कि मेकअप रूम के अंदर जाने से पहले तनिषा के पास कई फोन कॉल्स भी आए थे। फोन करने वाला कौन था, इसकी जांच भी पुलिस कर रही है। बॉयफ्रेंड शीजान से भी पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि तनिषा की मौत हत्या या फिर खुदकुशी, इस मौत मिस्ट्री का खुलासा सिर्फ वही कर सकता है। क्या 20 साल की यह एक्ट्रेस भी चमकती रोशनी के पीछे की काली दुनिया का शिकार हो गई? आपको क्या लगता है, क्या तनिषा की मौत सिर्फ आत्महत्या है या फिर प्लानिंग के तहत हत्या को अंजाम दिया गया? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी यू के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।